एक बड़ी खबर है पंजाब से, जहां पर कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ड्रग्स से जुड़े मामले में सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी हुई है। जलालाबाद पुलिस ने सुखपाल खैरा को अरेस्ट किया। आपको बता दें कि 2015 का ये पूरा मामला है। 2015 के एनडीपीएस केस में सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी हुई है। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पूरा मामला बताइए, खैरा की गिरफ्तारी किस तरह से हुई है? देखिए, सुबह सुबह पंजाब पुलिस जो है, जलालाबाद की पुलिस, वो सुबह 6:30 बजे चंडीगढ़ के स्थित सुखपाल सिंह खैरा के घर पहुंची और वहां पर उनको अरेस्ट वारंट दिखाया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई है। दरअसल ये मामला 2015 का है, जब उनके ऊपर एक एनडीपीएस केस जो है वो दर्ज था। और अब पुलिस का ये कहना है कि उस मामले में कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसमें ये देखा गया है कि ड्रग्स का जो तस्करी का मामला है उसमें सुखपाल खैरा जो है उनका इन्वॉल्वमेंट था और उस समय कुछ रिकवरी भी हुई थी, जिसके आधार पर आज जलालाबाद की जो पुलिस है वो चंडीगढ़ स्थित सुखपाल खैरा के घर पहुंची और सुबह 6:30 बजे के आसपास उन्हें चंडीगढ़ से जो है जलालाबाद ले जाया गया और जहां पर उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। और माना जा रहा है कि 11:30 बजे के आसपास उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद उनकी रिमांड ली जाएगी। मामला 2015 का है और उस समय सुप्रीम कोर्ट से भी सुखपाल सिंह खैरा जो है वो स्टे लेकर आ गए थे इस पूरे मामले में, लेकिन बाद में जब जांच हुई उसके बाद पुलिस ने दोबारा इस मामले को रजिस्टर्ड किया और थोड़ी देर में उनकी एफआईआर की कॉपी जो है वो भी मिल जाएगी। और बताया जा रहा है कि जलालाबाद के जो एसएसपी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, देखिए अगर हम ड्रग्स की बात करें और पंजाब की बात करें तो बहुत गहरा कनेक्शन रहा है और ऐसे में एक बड़े राजनीतिक का नाम सामने आना, जाहिर सी बात है कि पार्टी के लिए एक इमेज खराब होने वाली भी बात है।